सिवनी मालवा की टप्पा तहसील शिवपुर के पास स्थित नर्मदा तट बिलाड़िया में एक 24 वर्षीय युवक पिता के साथ नहाने गया था। वही इसी दौरान युवक गहरे पानी में चला गया और डूब गया, जिसके बाद घबराए पिता ने आनन फानन में इसकी सूचना शिवपुर पुलिस को दी, साथ ही आसपास के गोताखोर को बुला पिता के द्वारा युवक को ढूंढने का प्रयास किया गया, पर पानी अधिक होने के चलते युवक का कोई पता नहीं चल पाया। थाना प्रभारी संजीव पवार ने बताया कि मृतक राहुल राजपूत उम्र लगभग 24 वर्ष निवासी ग्राम बिसोनी कला पिता अनूप सिंह राजपूत के द्वारा शिवपुर थाने में बेटे के डूबने की सूचना दी गई थी, जिसके बाद बिलाड़िया नाव घाट पर पहुंचे गांव के गोताखोर से तलाश करवाई गई, परंतु मृतक राहुल राजपूत का कोई पता नहीं चल पाया है। रेस्क्यू टीम को जिला मुख्यालय से बुलाया गया है। रेस्क्यू टीम के आने के बाद गहरे पानी में युवक की तलाश की जाएगी। घटना की जानकारी मिलने पर गांव के भी लोग बड़ी संख्या में बिलाड़िया घाट पहुंच गए हैं एवं युवक के शव की तलाश की जा रही है। आपको बता दें कि घटना लगभग 11 बजे की बताई जा रही है। विगत दिनों से लगातार हो रही बारिश के चलते नर्मदा नदी का जल स्तर बढ़ा हुआ है, जिसके चलते इस तरह की घटनाओं का डर बना रहता है, परंतु इसके बाद भी श्रद्धालु नर्मदा तट पर स्नान करने के लिए जान जोखिम में डालने से भी परहेज नहीं करते हैं।